दो लाख जी 25 से स्टार्टिंग है जी और टू लाख तक जाते हैं पर नाइट जी। पाक सर जमीन शाद बाद पढ़ना चाहिए ना। राइट अब हम जा रहे हैं सोग वैली जो तकरीबन अपर चोरा लेक से 20 से 25 मिनट जी जी कितना किलोमीटर होगा 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर इन्होंने बताया। ये है देखो इन्होंने बता दिया मुझे ये भाई कराची में रहे कराची में कहाँ रहे बंस रोड पाकिस्तान चौक के साथ में शीश महल में क्या बात बुरानी हॉस्पिटल के साथ में बुरानी जबरदस्त देख लो भाई कराची कहाँ तक फैला हुआ यार कराची बहुत बड़ा कराची बहुत आगे तक है मेरा मामू 40 साल हुआ है उधर मामू बोल रहे मामू मतलब मैं भी मामू हो गया ओरिजिनल इनका मामू तो 40 साल से वहाँ पर है जी क्या बात है यार कचूरा नाम है सब का कचूरा है कचूरा ही नाम है ना गांव का तो हबीब भाई नाम है इनका हबीब भाई अच्छा हबीब भाई हबीब गांव बहुत अच्छा है अभी 2-4 लोगों से उधर बोट कर रहे थे उस पर भी वास्ता पड़ा और बहुत बहुत अखलाक वाले और बड़े मज़ेदार पीछे नमाज भी पड़ी थी तो बड़ा ज़बरदस्त तो ये अब जाएंगे कैसे हम लोग अच्छा यहाँ पर जो बोली जाती है ना यहाँ की ज़बान है बल्ती वो तो सबको ही पता है लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि ये बिल्कुल सिमिलर है चाइनीज़ लैंग्वेज से ये हबीब ने मुझे अभी बताया हबीब की गाड़ी जो है ना थोड़ी सी अटक गई है किसी चीज़ जगह पे लेकिन वो निकाल लेंगे उनको पता ये देखो भाई ये भी नॉन कस्टम गाड़ी है जी 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 तो चाइनीज़ कैसे बोल सकते हैं आप कैसे बस हमारा कौमी जबान ही यही है आपका मादरी जबान यही है ठीक ठीक तो जैसे मैं ठीक हूँ आप कैसे हो इसको कैसे बोलेंगे यहाँ ठीक हो था यहाँ ठीक हो था और तुम कहाँ से आए हो यहाँ गाड़ना हो फिर अच्छा ये तो वाकई चाइनीज जैसी है यार मतलब लहजा बिल्कुल चाइनीज जैसा है जबरदस्त अच्छा हम अपनी गाड़ी में भी आ सकते थे लेकिन चूंकि ये जो रोड है उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पत्थर है और आपकी गाड़ी को नुकसान दे सकते हैं तो जो टायर चलता है ना बड़ी गाड़ी का तो वो पत्थर ऊपर फेंकता है तो वो नीचे से जो है ना उसकी बेस ख़राब हो सकती है तो हमसे उन्होंने लिए हैं एक गाड़ी के 2,000 रुपये तो दो गाड़ियाँ हमने की हैं तो 4,000 रुपये आने जाने के बेहतरीन बहुत सही है मुनासिब है क्योंकि अगर हम भी जाते और आते तो 2-1.5-2 हज़ार का तो पेट्रोल हमारा भी लगना था ना तो इसलिए ये बेहतरीन फैसला है और सबसे बड़ी बात कि जब आप यहाँ पर आए तो सोग वैली का क्या है कि सोग वैली आप करके जाएं मतलब विज़िट करके जाएं क्यों बार बार ये देखो इसके काम बार बार आप आ नहीं सकते ऐसी जगहों पे तो जब आएँ तो ये सब विज़िट कर लें एक साइड कवर कर लें और फिर आप आगे स्कर्दू की तरफ चलें क्योंकि जब आ ही गए तो हमने इसको फिर विज़िट करना है ना और हम बिल्कुल प्योर गाँव से और मज़ेदार जगह से जो वाइब है ना वो बिल्कुल आप समझें कि यू नो आप चले गए पीछे बहुत पीछे लेकिन भाई रहे कितने साल रहे हबीब कराची में मैं 3 साल 3 साल कराची में रहे पाकिस्तान चौक नहीं समझा वो भी रहे भी कराची के दिल में बंस रोड हबीब भाई यहाँ पे खाने में क्या अच्छा है खाने में सोग वैली का ट्राउट फिश मशहूर है अबे नहीं यार ना क्या चीज नहीं नहीं और नहीं हो तो फिर लंबा हो जाएगा ना दिल तो बहुत चाह रहा सुन के हूँ तो चाह रहे हाँ मेरा भी एकदम से कहा सोग वैली का फिश और चावल चावल फिश तो होनी चाहिए ना यार दरिया इतने ओरिजिनल ट्राउट फिश यहाँ पे मिलते हैं अच्छा ओरिजिनल ट्राउट फिश यहाँ की है जी जी हाँ दरिया से ही पकड़ते हैं दरिया से ट्राउट फिश
क्या हिसाब है? शायद 4,000 का पका के देते हैं। किलो? जी जी। छोड़ जी हाँ जी तानगा भी उस खेल लग का ले गलत साइड पर चिबा तान चुगत। गलत साइड से लगवाते हैं गाड़ी। नए नए लोग गाड़ी लेकर आते हैं ना। ये आ रहा सोग वैली का पानी। निकल जा रहा क्या सर? वैसे बिल्कुल सही कहा था आपने। बहुत सही कहा। गाड़ी लेके आना सही था। कौन सी? ये वाली। हाँ। तो बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं पत्थर। तो सही था। बिल्कुल सही फैसला था रोड के हवाले से कि ये बिल्कुल सही फैसला कि कोई अपनी गाड़ी में ना आए, क्योंकि ये रोड जो है ना वाकई अपनी गाड़ी वाला नहीं है। बाइक को तो पता है ना, अभी को तो पता है कैसे चलानी है। और कहाँ तक आप बता रहे हो अभी होकर आए? कल दुसाई टॉप तक। दुसाई टॉप तक होकर आए बताए। काम है देखे, गाड़ी फंस गई। अब गाड़ी कैसे निकलेगी? ये रस्सी डाल रहे नहीं तो की नीचे ले, नीचे के लेके गया वो। ये पागल बंदर दरिया को पार करने के लिए ले गया। ओए राइट, माशाल्लाह एक और नई जगह हमने जो उसको मार्क किया, विजिट किया। और क्या बात है, ये है सोक वैली। अच्छा, सोक वैली का मतलब है के ना, ये क्यू है बेसिकली काफ वाला, सही है जी। ये मुझे बताया अभी लोकल ने, हम इसको सोक वैली कह रहे थे। एनीवे मैं आपको बगैर किसी इंतज़ार के वो जगह दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सही मशवरा देके मुझे यहाँ पर लेकर आए। ये आप जगह विज़िट करें, क्या खूबसूरत जगह है, कितनी मज़ेदार जगह है कि मतलब अगर मैं इसको ना मार्क करता ना तो डेफिनेटली ये ज़्यादती होती इस खूबसूरत व्यू के साथ। मैं आपको भी और मज़ीद व्यू चेक कराता हूँ, दिखाता हूँ बहुत इत्मीनान से, क्योंकि मैं और हमज़ा साथ हैं। हसन भी दूसरी गाड़ी में आ रहा है और उसके बाद फिर हम चलेंगे उधर। आपको दिखाता हूँ सोक वैली का नज़ारा। ये इसका वे फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल से तो जो लोकल हैं उन्होंने जितनी दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बाकी हवा बहुत तेज़ है। बहुत करीब मार दिया और पानी अपने ऊपर आ गया तुम्हारा। बहुत हवा है तो यहाँ पर आए ना तो आपको चाहिए थोड़ा सा कोई पहन घूम के आया। मैं कुछ नहीं पहन कर आया तो थोड़ी सी ठंड है, मौसम चाहिए, लेकिन सब चलता है भाई इस मौसम को ठीक है, कर लेंगे। इसको एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में अगर हमने इसको एंजॉय नहीं किया तो। साहिबो साहिबो Thank you.
और ये है यहाँ का व्यू, और ये है क्लास जगह है। हम हसन की आवाज़ आ गई चीखने की, बोल रहा है कि एक्साइटमेंट में चीख रहा है वो, और वो चीखना बनता भी है उसका इस जगह को देख के। आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव बारबेक्यू के लिए, जिसने अरेंज करना हो हट ये भी मिल जाएगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और साथ आपको कार पार्क है और एक कैंटीन सी है, लाइक किचन है, जिस पर हमने अभी ऑर्डर दे दिया है अगेन समथिंग। तो ब्यूटीफुल बैठने की प्रॉपर जगह है और फैमिली प्लेस है। बस आने का आपने देखना है कि आना आपने लोकल गाड़ी में, अपनी गाड़ी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इस तरह के पत्थर हैं। और व्यू तो सुभान अल्लाह, आप देख ही सकते हैं क्या ज़बरदस्त व्यू है, और इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है इसको मिस करने के लिए। सोक वैली बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आप, और ना ही करना चाहिए। स्कर्दू आने वालों, सोक वैली लाजमी विज़िट है। फैमिली इधर बैठी हुई सारी, और पिक्चर वगैरह और सारा कुछ हो रहा है। इधर से मैं नज़ारा कर रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और मज़ेदार। एक यही हट नहीं है, बाकी लाइन से यहाँ पर हट बने हुए, लाइन से बैठने की जगह है। इट्स मस्ट विज़िट, ऊपर का ये नज़ारा। राइट, अब ये है कि यहाँ पर थोड़ी चाय पीते, मैं थोड़ा सा इंजॉय करके, थोड़ा पानी शानी ज़रा देख के, ठंडा पानी। ये मैंने क्या मंगाया, हमसे ने मंगाया फ्राइज एंड पकोड़े, और हम मिलके खाएंगे। और सबसे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये कि यहाँ पर कैंपिंग की जगह भी बनाई हुई उन्होंने। बड़ा आप गाड़ी लाएँ, कैंपिंग करें और इन्जॉय करें। चाय हो गई जनाब, और नज़ारा भी कर लिया, बेहतरीन मज़ा आ गया। और अब मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, हम सब निकल रहे हैं, जाएंगे स्कर्दू की तरफ। बहुत क्लास की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यकीन करें। इस वक्त शाम की जाने तो वन ऑफ द बेस्ट, जो हमने फैमिली टी की है, वन ऑफ द बेस्ट टी थी। भाई सोक वैली को करते हैं बाय बाय, और अल्फाज में तो मैं इसको कुछ भी नहीं बयान कर सकता, ज़्यादती है, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। जो ये ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है, इसकी कोई भी वजाहत नहीं है, मैं कोई इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, क्योंकि यह आप मिसाल है अपनी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है जी, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत नज़ारे इंसान के लिए ये बनाए हुए, इस ज़मीन को सजाया हुआ है खूबसूरत रंगों से, खूबसूरत नज़ारों से। सुभान अल्लाह, हर लम्हा हर मोड़ एक दिलकश नज़ारा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, जो भी आए ज़ीशान भाई से कांटेक्ट कर ले, माशाल्लाह पूरा घुमाएंगे। ज़ीशान भाई के पास 3 गाड़ियाँ हैं और सारी कस्टम पेड हैं, नॉन कस्टम है, नॉन कस्टम। नंबर बोले अपना 03486179982982। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठंड ना सही, फिर से एक दफा फिर स्कर्दू, वेरी फेमस, और वो मशहूर है अपनी पॉइंट्स के लिए। स्कर्दू की क्या बात करें कि कौन सा पॉइंट मशहूर है कौन सा नहीं, तो सबसे ज्यादा पॉइंट मशहूर है और वो है शंग्रीला रिजॉर्ट का। शंग्रीला रिजॉर्ट में सब आना भी चाहते हैं, उसको जानना भी चाहते हैं, उसको विजिट भी करना चाहते हैं। तो आज वो लकी डे शाम का, तो हमने फैमिली ने सोचा है कि जी आज हम शाम जो है शंग्रीला रिजॉर्ट में गुजारेंगे, बेहतरीन इंशाल्लाह, और विजिट कराते हैं शंग्रीला रिजॉर्ट का।
कि मैंने झील में इसको देखा था, झील में मैंने इसको सारा गाइड किया था, इसने मुझे 100 रुपया देना था इसको पहचान लेना भाजी को। Right, finally Shangri-La Resort. अब हम आ गए हैं शंग्रीला रिजॉर्ट, जिसके हमने दिए 1000 रुपये एंट्री फीस है। ये विजिटर फीस है बेसिकली, और जो रहते हैं मे बी उनके लिए फ्री होगा। तो आते ही हमने पार्क कर दी गाड़ी, और ये मेन एंट्रेंस है विजिटर के लिए। और अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा है, क्यों इतना मशहूर है, क्या वजह इस मशहूरी की। कहीं मेरे पाकिस्तान का है वो तो है, लेकिन ऑब्वियसली बड़ी क्लीन है, सारा कुछ किया हुआ है, मैनेजमेंट है। शंग्रीला रिजॉर्ट जो मशहूर है डेफिनेटली वो अपनी खूबसूरती और अपनी जो इनकी यहाँ पर जो वाइब्स हैं यहाँ की बेहतरीन है, मशहूर इसी बात के लिए। और प्लस लोकेशन, लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल दरमियान में एक झील सी बनी हुई है, जिसमें जिसकी ब्यूटी इन पहाड़ों की वजह से बहुत हो जाती है। साथ ये तो इसमें क्या है कि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसमें हसन से पूछता हूँ, हसन भाई। जी माँ जी, कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक। फ्रेश है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, क्या कहते हैं शंग्रीला के बारे में? सर जी, कैलेंडर्स पे देखते थे। क्या बात है। तो आज शुक्र है परवरदिगार के करम से आज लाइव देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट। आई पॉन्ड, ये जो है लेक है, ये मैन मेड है, राइट? और ये पता नहीं 90s का एग्जैक्टली डेट क्या, तो उसके अंदर ये ज़मीन खरीदी थी एक ब्रिगेडियर साहब ने, राइट? और ये फिर सारा इसको ऑर्गेनाइज किया, डेवलपमेंट लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अखीर है। यहाँ पे डिफरेंट, ये सारे होटल्स एक नहीं है, ये सारे डिफरेंट होटल्स हैं। ये रिजॉर्ट के अपने कमरे भी हैं और ये अलहदा भी है, राइट? जी, आप वो होटल भी बुक कराने, बुकिंग होगी, एक रास्ता जाता है वो फिर वहाँ तक आपको लेके जाता है। ओके। वो गाड़ियाँ देखिए वो खड़ी नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल। वो पीछे का एक रास्ता अलग है, जिनकी बुकिंग है सिर्फ वो वहाँ तक जाते हैं, वो देखिए वो सारा रास्ता। ये भी है पीएफ फोर्सेस के भी हैं, तिब्बत है और उसके पीछे एक और है तिब्बत, हाँ चाइनीज़ नहीं, तिब्बत नाम है, और वो आर्मी का गेस्ट हाउस है। ये वाले जो राइट साइड के ऊपर हैं, ये सारे पीएफ और ये एजेंसीज के हैं। ये शंग्रीला के जो है ना, शंग्रीला के वो जो कॉटेज आपको लास्ट नज़र आ रही है वो, और ऊपर जो कंक्रीट आपको लग रहा है ना पत्थरों का, उसका 2 लाख रुपये रेंट है एक नाइट। जितने पहाड़ है ना, इतने पहाड़ हैं यहाँ पर, और इन पहाड़ों के दरमियान ये गुलाब के फूल जो हैं, ये इस खूबसूरती को ऐसा कर रहे हैं, इतना खूबसूरत बना रहे हैं कि क्या बताएं। और शाम हो, शंग्रीला हो, और ये समा हो, सुभान अल्लाह। Thank you.
अच्छा ये जो था ना ये एयरक्राफ्ट जो था ये क्रैश हुआ था, तो फिर इनके जो एक्स ऑनर्स या जो भी ऑनर थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने इसको परचेज कर लिया था, तो एक यादगार के तौर पर रखा हुआ है। स्टार्टिंग है इसकी बवाल जो सबसे है तो वो तो ये है ना 2 लाख 2 लाख जी 25 से स्टार्टिंग है जी और 2 लाख तक जाते हैं पर नाइट ये हाँ ब्रिगेडियर का आई डोंट नो लिखा होगा ये ना वो शौकीन है ना वो जैसे ये मलबा है उसके बाद हाथी भी शिकार है और लुक्स के उनको शौक जो है ना वो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ और इन चीज़ों का मैडम। अच्छा तो मोहतरमा अच्छा जी इन्होंने क्या किया हुआ है कि रिसेप्शन की बैक साइड पे मारखोर उसका कुछ वो रखे हुए मारखोर उन्होंने सेव करके, तो देखते हैं। मैंने मारखोर ही नहीं देखा हुआ तो मैं क्या बताऊंगा। नो डाउट खूबसूरत तरीन जगह, मतलब इतने पहाड़ों में इतना खूबसूरत हो जाना सुभान अल्लाह। हर चीज़ यहाँ पर हाई क्या है, ऑक्सीजन लेवल पता नहीं कम है मेरा कम है। उसने यहाँ इशारा किया है, होना भी यहीं चाहिए फिर। वाह जी, को पाकिस्तान का नेशनल एनिमल जो इस वक्त केज में है, हालांकि इसको आज़ाद होना चाहिए। इतनी खूबसूरत शाम और सनसेट मैंने कभी भी इस तरह सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत रात और शाम जो आपस में मिल रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत और ख़ामोश व्यू है जो पूरी दास्तान है, पूरी बातें करता है भाई। ये रास्ते में इस गुलाब ने रोक लिया मुझे, क्या ब्रीड लगी हुई है यार, खूबसूरत ब्रीड। और यहाँ कहीं रात की रानी भी लगी हुई है, चंबेली नहीं है रात की रानी है, एक ओल्ड मेमोरीज खुशबू वही वाली है। हमारे मोहल्ले में हमारी गली में एक घर में रात की रानी लगी हुई थी पौधा, क्या खुशबू आती थी रात को। इस खूबसूरत व्यू के साथ अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, और ये इनका रेस्टोरेंट है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मस्ट विज़िट। कुछ भी नहीं है, 1000 रुपीज़ टू विज़िट दिस प्लेस इज नथिंग, इट्स मस्ट विज़िट। क्या खूबसूरत जगह यार, विजिटर एरिया है उसका एक ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री आ गई यहाँ पर, वो है जो अब जिन्होंने यहाँ पर बुकिंग कराई हुई है इस हिसाब से 25,000 to 2 lakh अप्रॉक्स $75 टू 500 समथिंग पाउंड सॉरी डॉलर USD जो फ्री रेट हो आज का, तो वो यहाँ पर इसको इन्जॉय करेंगे इस पूरे सेशन को। तो बेसिकली आधा सेशन उन्होंने पब्लिकली विजिटर रख दिया और आधे सेशन को उसने बना लिया, उसमें अपना उनका बोटिंग है और उसके बाद कैफे है, रेस्टोरेंट है, डिफरेंट टाइप के सारा कुछ है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमज़ा वहाँ पर अदर वे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है इसको इस शाम को इस रात को, तो हम भी कुछ टाइट से हो गए घूम घूम चल चल के। लेकिन इतनी खामोशी और इतनी खूबसूरत मंजर है कि बस बंदा वॉक ही करता रहे यहाँ पर।
ये माहौल बहुत ऊपर है, माहौल इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग बट इट्स ब्यूटीफुल। बाबू यार क्या किस्मत पाई है इस लोकेशन में शंग्रीला ने, मतलब कि क्लास जो आता है इसी की खींच रहा था तस्वीर, और कोई किसी को नहीं जानता कि शंग्रीला का है, वो भी तो है। हाँ। वो भी तो है, इसकी किसी को नहीं पता, इसका सबको पता है। ये बहुत लाडला बच्चा यार है, हर जगह ये पहुंचा हुआ है। इसने वो किस्मत लेके पैदा हुआ है कि मतलब पानी का बच्चा। असल में ये जो है ना, काफ़ी जो व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारी जो है वो दिन की हैं, तो मैंने इसलिए कोशिश की कि हम शाम में आ जाएं ताकि शाम का व्यू भी आ जाए और रात को भी हम थोड़ा इस लाइटिंग को भी हम इंजॉय कर लें और दिखा पाए ऐसा कि जैसे मैं देख रहा हूँ। कोशिश की है तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत अच्छी जगह है, इफ़ एनीबडी कैन अफोर्ड और टू विज़िट और टू लिव 191, यस मस्ट डू इट, बहुत अच्छी जगह। और खाना कैसा है आई डोंट नो, क्योंकि खाना मिस कर दूँ मैं कहेंगे जाके वापस इंशाल्लाह। तो यहाँ हमारा मकसद सिर्फ विज़िट का था, बाकी तो रब रखा ही है। आज के व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। एक बेहतरीन शाम हमने यहाँ पर स्पेंड की और एक खूबसूरत रात का आगाज़ यहाँ से हुआ, और उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है। तो इसलिए इससे अच्छी जगह पे मैं ला नहीं सकता कि मैं अपनी वीडियो को एंड करूं। बहरहाल आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दें इजाज़त और शंग्रीला से तो इंशाल्लाह फिर अच्छी सी वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर एंड लाइक। स्कर्दू की ये मेन रोड है, इसके ऊपर ये वाला होटल है, पख्तूनख्वा होटल एंड सवात रेस्टोरेंट। चपली कबाब नंबर वन, बीफ कढ़ाई नंबर वन। आ गए होटल में और ये होटल हमें मिला है 3,300 रुपीज़ पर नाइट। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, सबसे ज़्यादा मज़ेदार इनकी हॉस्पिटैलिटी। ये टू बेड है और बेहतरीन, सबसे बड़ी बात जो है ना उनकी मेहमान नवाजी नेम भाई की। स्कर्दू ये है मस्जिद रोड, ये सर देवसाई है। ये जो फूल है जो परियों ने उगाए, मतलब ऐसा कहते हैं खूबसूरती की वजह से ना, इतने खूबसूरत हैं, ऐसा मंजरनामा है वहाँ पर, ऐसा लगता है कि परियों के देश पहुँच गया। और वो है शीशा लेक, तो हाँ यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है। याक तो वहाँ पर है, जैसे पशु आएंगे आपको जो याक ग्रिल है वहाँ की खुशबू आपको रोकेगी। वहाँ से हमने या तो बर्गर खाने होंगे या तो कढ़ाई जाएंगे, आप आ नहीं सकेंगे, उसकी खुशबू बाहर रोड तक महक उस नजर। उस सीट पे बैठते हो तो सामने पशु कौन है, अगर गुरुब आफ्ताब का टाइम है तो वो किरणें जैसे गोल्डन, वो पीक जो ना गोल्डन हो जाती है, आप मतलब खा नहीं सकते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं। तो नीचे याक का गोश्त का मजा, ऊपर वो कॉन्स का, उसके ग्लेशियर नीचे है, वैली ऊपर है, ऐसी ठंडक में सो बर्फ से ना एयर कंडीशन की आवाज, होपर वैली में, होपर वैली तो वो ठंडी हवाएं आती रहती है, और नीचे जो होपर वैली है पीछे से वो बिल्कुल लैंडस्केप की तरह पूरे हरियाले खेत, और वो ऐसे वो पुराने जमाने की जो कंस्ट्रक्शन है, वो हवेलियां हैं, फिर कुछ मोहल्ले हैं उस यूनिक स्टाइल में ना, तो फिर ऊपर से लैंडस्केप है, ये सारा एक अलग मंजरनामा है। वहां से उतरते हैं करीमाबाद में आपका अंतित फोर्ट है, रॉयल गार्डन है, रॉयल गार्डन से आप ऊपर जाएं, फिर दुई कर से आपको तकरीबन 4-5 ग्लेशियर नजर आते हैं, तो उन ग्लेशियर का एक अलग सा खूबसूरत मंजरनामा है। वहाँ से ये जापनीज हैं, वो सूरज की किरणें निकलने से पहले उठ जाते हैं, वो देख के वही बस वो मदहोश हो जाते हैं कि इस तरह की खूबसूरत, क्योंकि कहीं है ही नहीं, पहाड़ों के साथ आप बैठे हैं, दुई कर इतना ऊंचाई पर है कि उस तरफ पहाड़ और इधर आपका वो होटल रिजोर्ट वो बराबर होता है। शब्बा खैर, ये नईम भाई थे माशाल्लाह, फुल इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ, ये यहाँ के ओनर भी हैं, और क्या कमाल बंदा है भाई यार। एक चीज़ है यहाँ की, कन्फर्म है यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बड़ी हॉस्पिटैलिटी बहुत है, बहुत
डाउन टू अर्थ है, हम देखो अपना काम छोड़ के, शादी छोड़ के हमारा वेट कर रहे हैं। नो डाउट।